हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज़ पर। आज हम लोग अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं लाई के लड्डू। इसके लिए हमने इस बाउल से डेढ़ बाउल लाई ली है, आधा बाउल अभी हम और ले लेंगे। इसके साथ ही हमने अच्छी क्वालिटी का 250 ग्राम गुड़ लिया है। सबसे पहले हम लोग लाई को सेकेंगे, क्योंकि यदि अगर लाई में सॉफ्टनेस होगी तो लड्डू क्रंची नहीं बनेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग लाई को भून लेते हैं। लीजिए, लाई भूनने के लिए हम लोगों ने एक पैन चढ़ा लिया है और उसमें हम लोग इस लाई को डाल देंगे। आज जो हम लोग लाई के लड्डू बना रहे हैं उसमें बिल्कुल भी घी नहीं लगेगा और ये लड्डू बहुत ही अच्छे रेडी होंगे बनकर। अभी हम लोग आधा बाउल और इसमें डालेंगे, इसमें आधा बाउल लाई और डाल देंगे और अब इसको हम लोग गैस को स्लो फ्लेम पर करकर इसको 2-3 मिनट भून लेते हैं। इसी तरह से भी हम लोग 2 मिनट और भूनेंगे। लीजिए, लाई को भूनते हुए पूरे 3 मिनट हो गए हैं और अब हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। पहले उससे पहले हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। देखिए, ये इस तरह से अच्छी क्रंची है। अब इसको निकाल देंगे गैस बंद करके। लीजिए, लाई को हमने एक थाली में निकाल दिया है, वापस से हमने पैन चढ़ा लिया है। अब हम लोग इसमें जो हम लोगों ने अभी हमने गैस ऑन नहीं की है, अभी हम लोग इसमें गुड़ रखेंगे। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके हम लोग इसमें गुड़ रख देंगे। धीरे धीरे ये मेल्ट होने लगेगा। गैस को बंद ही रखना है अभी, क्योंकि गैस अभी हम लोगों का पैन गर्म है। पूरा गुड़ हमने डाल दिया है। अब इसमें हम लोग 2 चम्मच डालेंगे चीनी का पाउडर। आप चीनी भी ले सकते हैं या चीनी का पाउडर, कुछ भी डाल दीजिए दोनों में से। हम यहाँ पे चीनी के पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। अब इसको धीरे धीरे हम लोग मेल्ट होने देते हैं। आगे पीछे कर देंगे ताकि सब तरफ से ये मेल्ट होने लगे। जब हम लोगों को लगने लगेगा कि ये पैन अब ठंडा होने लगा, तो फिर हम लोग गैस को स्लो फ्लेम पर ऑन कर देंगे। अभी ये देखिए मेल्ट हो रहा है बराबर, ये भी थोड़ा सा गर्म है। इसी तरह आगे पीछे करते रहेंगे और ये मेल्ट होता जाएगा। हमने गैस को स्लो फ्लेम पर ऑन कर लिया है। लीजिए, आप देखिए ये जल्दी जल्दी से मेल्ट होने लगा है। बस गैस को स्लो रखना है, नहीं तो ये गुड़ हम लोगों का जलने लगेगा। थोड़ा सा प्रेस करके भी इसको बिना पानी के हम लोग ये चाशनी रेडी कर रहे हैं। और तब तक हम लोगों को गुड़ पकाना है जब तक कि ये जमने वाली फॉर्म में ना आ जाए। धीरे धीरे देखिए गुड़ मेल्ट होता जा रहा है। लीजिए, गुड़ देखिए सारा मेल्ट हो गया है और पूरा घुल गया है। अब इसमें बबल्स बनने लगे हैं। अब इसको हम लोग स्लो फ्लेम पर कर भी थोड़ा पकाएंगे। इसी तरह से अभी हमें 3-4 मिनट इसको पकाना है, फिर हम लोग इसको चेक करेंगे। लीजिए, गुड़ को पकते हुए पूरे 3-4 मिनट हो गए हैं। अब हम लोग इसकी एक ड्रॉप डालकर बर्तन में ये देख लेते हैं कि ये जमने वाली फॉर्म में आया या नहीं। तो इसकी एक ड्रॉप डालते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर हम इसको छूकर देखेंगे। तब तक इसको हम लोग इसी तरह से चलाते हुए इसको पकाएंगे।
लीजिए, हमने जो एक ड्रॉप डाला था देखिए वो इस तरह से आवाज आ रही है खनकने की। तो इस स्टेज पर गैस को करेंगे बंद और चाशनी बनकर रेडी हो गई है। अब हम लोग इस चाशनी को जो लाई हमने थाली में रखी है उसमें मिक्स करेंगे और गैस को हमने पहले ही बंद कर लिया है। इस थाली में हम लोगों ने लीजिए देखिए लाई हमने डाल ली थी, अब इसके ऊपर हम लोग चाशनी फैलाएंगे। एक बार में पूरी नहीं डालनी है, थोड़ी सी बचा लेंगे, पहले मिक्स कर लेंगे, देख लेंगे ज़्यादा तो नहीं है, उसके बाद फिर हम लोग इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से हम लोग मिक्स करेंगे, हाथ नहीं लगाना है, चाशनी बिल्कुल गर्म थी, बस अब जरिए से ही चम्मच से इसको मिक्स करेंगे। अभी इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इतने में ही ये बनकर रेडी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा गुड़ वाली रेडी नहीं रेडी करना है, वो बहुत ज़्यादा मीठे हो जाते हैं, तो हम लोगों को एक नॉर्मल लड्डू ही रेडी करना है। ये चाशनी हम लोगों की पर्याप्त हो गई है, बस इसी को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है देखिए, अब हम लोग हथेलियों पे लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी, ताकि हम लोग लड्डू जब बांधे तो ना तो हाथ में चिपके और दूसरा हमारे लड्डू भी चमकदार बने। तो देखिए हमने घी लगा लिया है थोड़ा सा, अब इसका थोड़ा सा ये लेंगे हिस्सा, उसके बाद में अब नॉर्मल हो गया है, बहुत गर्म भी नहीं है और ना ही बिल्कुल ठंडा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग लड्डू को बांधना स्टार्ट कर रहे लीजिए, लड्डू बनकर हमारा रेडी हो गया है। देखिए इसी तरह से हम लोग बाकी के लड्डू भी बना लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं, इनको हमने एक प्लेट में सर्व कर दिया है। टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से झटपट से रेडी हो जाते हैं और बच्चों से लेकर बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। आशा करती हूँ आपको लाई के लड्डू की रेसिपी सबको पसंद आएगी। यदि पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बताइए। मेरे आने वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें इसके लिए आप बेल आइकन को करिए प्रेस। थैंक यू।